नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसी के साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आप अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारे साथ जो दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे वो आपके इन सवालों का जवाब देने में हमारी सहायता करेंगे। सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स लेवल पर देखें तो ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था। निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स टच तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी 25,000 के पार बंद होता हुआ नजर आया। वही बैंक निफ्टी में भी करीब 130 अंकों की तेजी दिखी। 51,280 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। इसके अलावा SBI लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एक्शन था। SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स से। वही इंडेक्स लेवल के लूजर्स की बात करें तो टाइटन, FMCG सेक्टर में कमजोरी थी। निफ्टी FMCG इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी था और टाइटन निफ्टी 50 का सबसे बड़ा लूजर। करीब 2.5% की गिरावट टाइटन पर दिखी। इसी के साथ JSW स्टील, HUL और टाटा मोटर्स, इन शेयरों में भी करीब 1.5% से 2.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करें तो टाटा ग्रुप के सभी शेयरों में काफ़ी एक्शन था। टाटा टेक्नोलॉजीज जहां पर करीब 3.5% की ब्लॉक डील हुई आज, वहां पर 5% की तेज़ी दिखी। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा एलेक्सी, तेजस नेटवर्क्स, इन सभी टाटा ग्रुप शेयरों में भी आज काफ़ी एक्शन दिखा। इसके अलावा JSW इंफ्रा, यहाँ पर 7% की तेज़ी दिखी। जेफरीज की रिपोर्ट आई जहाँ उन्होंने इनिशिएट किया कवरेज, ₹375 प्रति शेयर का लक्ष्य दिया। उनका मानना है कि कंपनी 20% का एबिटा CAGR अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर सकती है। इसी के साथ एक्सपेंशन प्लान्स भी है, वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रह सकता है, जिसके चलते JSW इंफ्रा में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखी। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेस कल 6% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था, 6% की गिरावट पर, लेकिन आज फिर से थोड़ी सी तेज़ी दिखी। करीब 0.5% की तेज़ी इस स्टॉक पर भी दिखी। तो कई सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में थे। FMCG में थोड़ी सी कमजोरी थी, लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल सेक्टर्स काफ़ी सारे थे। इंश्योरेंस सेक्टर भी काफ़ी एक्शन में था। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। विनोद मोदी जो हेड PMS है शेरखान बाई BNP Paribas से, उसी के साथ राहुल घोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया अपना समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार पर ही राय ले लेते हैं। राहुल, आपसे पूछना चाहूंगी, इंडेक्स लेवल पर आज ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था, लेकिन अगर किसी का मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इंडेक्स पर आपकी क्या राय बनेगी? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। तो बैंक निफ्टी का ना 51,200 से लेके 52,200 एक कंजेशन जोन है। नाउ अगर बैंक निफ्टी एक कंजेशन जोन को पार कर पाता है तो निफ्टी में एक और 400-500 पॉइंट आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। हैविंग सेड दैट, पिछले बार भी आप नोटिस करेंगे इसी लेवल से निफ्टी का जो फॉल आया था 1,000 पॉइंट का, यहाँ से हुआ था। तो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई का लेवल है और बैंक निफ्टी का भी जो कंजेशन जोन है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो फ्रेश लॉन्ग इस स्टेज पे मैं लेने के लिए मना करूंगा। अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है तो वेट कीजिएगा 25,100 के ऊपर क्लोजिंग के लिए। एक बुलिश क्लोजिंग उसके ऊपर मिल जाता है और बैंक निफ्टी 52,000 के आसपास आ जाता है तो वहां पे लॉन्ग जा सकते हैं, एक 300 या 400 पॉइंट टारगेट ऊपर में निफ्टी के साइड के, निफ्टी में। बिल्कुल, तो ये तो चर्चा हुई इंडेक्स लेवल पर। अब हमारे दर्शकों ने कुछ सवाल भेजे हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। यूट्यूब पर शौभिक पॉल ने हमारे लिए टाटा मोटर्स पर सवाल भेजा है। उनके पास 160 शेयर है जो उन्होंने 1156 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। इनफैक्ट पिछले एक साल का चार्ट देखें तो टाटा मोटर्स ने 80% के रिटर्न्स केवल पिछले एक साल में दिए हैं। तो याद रखें, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी दिखी है, इस पर फंडामेंटल राय ही ले लेते हैं। राहुल, विनोद आपसे पूछना चाहूंगी, टाटा मोटर्स पर क्या राय बनेगी? काफी अच्छा एक्शन दिखा है, JLR ऑपरेशंस में काफी अच्छा टर्न अराउंड भी दिखा है, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। लेकिन अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो टाटा मोटर्स पर क्या राय बनेगी?
वेरी गुड आफ्टरनून शेर साहब। टाटा मोटर्स में अगर देखें तो मोटा मोटी फंडामेंटल व्यू हमारा काफी पॉजिटिव ही है। कंपनी लास्ट 2 सालों से ओवरऑल देखे तो जिस हिसाब से नई लॉन्चेस करी है, जेएलआर में काफी फोकस रहा है, जेएलआर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया, कैश फ्लो जनरेशन इंप्रूव हो गया, राइट। आने वाले समय में भी जिस हिसाब से कंपनी की लास्ट एक दो कॉन कॉल सुने तो काफी न्यू लॉन्चेस आने वाली है, चाहे ईवी साइड में हो या एसी साइड में हो। आई थिंक जो मार्केट शेयर गेन जो कंसिस्टेंट डोमेस्टिक या ग्लोबली लेवल पे जो कंपनी का है वो कंसिस्टेंट रहने वाला है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि ऑटोमोटिव सेगमेंट का अगर ओवरऑल डेट देखे तो नेट डेट इट्स गोइंग टू बिकम नेट नेट डेट पॉजिटिव कंपनी इन कमिंग क्वार्टर। तो इन सब चीजों को मिलाते हुए प्लस वैल्यूएशंस को भी देखे तो वैल्यूएशन ये उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू सम अदर पीयर्स। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स में जिस हिसाब से चाहे डोमेस्टिकली या ग्लोबली देखें और सेगमेंट वाइज भी, चाहे सीवी की बात करें या पीवी की बात करें या ईवी में भी बात करें, तो सब सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस और आज देख रहे कि आई मीन जो एक्शन लिए जा रहे हैं आने वाले आई मीन महीनों में वो काफी प्रभावित करेगा। आई मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पॉजिटिव वे में आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है फंडामेंटल और पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को स्टॉक को होल्ड करनी चाहिए। फंडामेंटल नज़रिया पॉजिटिव है, अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स है तो बने रहने की सलाह, अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और जगदीश खट्टर ने हमारे लिए BHEL पर सवाल भेजा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स पर 100 शेयर है उनके पास, 300 रुपये के दाम पर खरीदे थे, स्टॉक अभी 298 के आसपास है तो ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं है, इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। राहुल, क्या राय बनेगी BHEL पर? तो जनरली आप पब्लिक सेक्टर एंटिटीज की अगर बात करें ना तो थोड़ा सा पॉज आपको देखने को मिलेगा आने वाले हफ्तों में। BHEL आप नोटिस करेंगे लास्ट 3-4 महीने से एकदम साइडवेज मूव कर रहा है और हर सप्लाई जोन से एक रिएक्शन नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं कि उनको एग्जिट कर देना चाहिए उनके काउंटर से और एक बड़ा डाउन मूव एक्सपेक्टेड है, बट फ्रॉम अ टाइम वैल्यू परस्पेक्टिव ऑफ मनी उनको थोड़ा वेट करना पड़े जनरली पब्लिक सेक्टर कंपनीज और नेमली BHEL में भी। वंस प्राइस 330 के ऊपर जाता है तभी नेक्स्ट लेग ऑफ मोमेंटम उनको देखने को मिलेगा, तब तक उनको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये राय है BHEL पर। इसके अलावा भारत डायनामिक्स पर कांता देवी ने हमारे लिए एक सवाल भेजा है, उनके पास 60 शेयर है जो उन्होंने 1405 रुपीज़ के दाम पर खरीदे थे, इस पर भी टेक्निकल राय ही ले लेते हैं। राहुल, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर अगर किसी का शॉर्ट से मीडियम टर्म का नज़रिया है? 1405 रुपये प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे भारत डायनामिक्स। तो भारत डायनामिक्स अगर मैंने सही सुना 1400 को उन्होंने लिया था। अनफॉर्चुनेटली 1400 एक बहुत ही ब्रिस्क रेजिस्टेंस पॉइंट था जहां पे उन्होंने एंटर किया है। अभी फिलहाल चार्ट का स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है हमें कि उनका एंट्री प्राइस वापस आ सके, ये चार्ट्स पे तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से अगर उनको एंट्री प्राइस आ भी जाता है उनको एग्जिट कर देना चाहिए इस काउंटर में, क्योंकि 1400 से लेके 1500 तक एक अच्छा सप्लाई जोन है। उनको लॉन्ग इस काउंटर में जाना है वेदर टेक्निकल पर्सपेक्टिव या फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी, उनको 1500 के ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग का वेट करना चाहिए और उसके बाद उनको लॉन्ग जाना चाहिए, ये हमारा इनसे सलाह होगा। बिल्कुल, तो ये राय है, टेक्निकल राय हमने भारत डायनामिक्स पर आपके लिए रखी। महेश जैन ने SBI पर एक सवाल भेजा है, उनके पास 500 शेयर है जो उन्होंने 831 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे, इस पर एक फंडामेंटल राय ले लेते हैं। विनोद, आपसे पूछना चाहूँगी, पिछले 1-2 सालों में देखें तो PSUs में शानदार तेज़ी दिखी है, SBI अभी आपकी क्या राय बनेगी SBI पर? क्या ये तेज़ी जो PSU सेक्टर में दिखी है और PSU बैंक्स में दिखी है, क्या ये कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है? जी हाँ, डेफिनेटली ओवरऑल हमारा व्यू ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी पॉजिटिव है। और मैं बोलूँ आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि अभी देखो तो स्ट्रीट वाइज और इंडस्ट्री वाइज सबसे ज्यादा टॉक होता है कि इस बात पे चर्चा होती है कि जो क्रेडिट डिपोजिट रेशियो है प्राइवेट बैंक की वो काफी चढ़ गया है, जिसके वजह से उनकी ग्रोथ को कंसर्न आ रहा है, क्योंकि एक लेवल के बाद उनको वो मेंटेन करना ही पड़ेगा क्रेडिट डिपोजिट रेशियो। वेयर एज पब्लिक सेक्टर बैंक की जो क्रेडिट रेशियो अभी भी देखे 65-70% के बीच है, इसका मतलब यह है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑफ नाउ दे आर बेटर प्लेस कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक टू लेंड मोर और टू सस्टेन देयर ग्रोथ।
एसबीआई की भी बात करूँ, एसबीआई को भी वो रेशियो, जो मैं सीडी रेशियो की बात करूँ, वो 65-70 के बीच में, जो एसबीआई को जो मैनेजमेंट को गाइड कर रहे हैं कि मैं 15% मेरा क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ वो सस्टेन करेगा ये साल, प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वो बहुत हद तक वो अचीव कर लेगा, तो ग्रोथ वाइज मुझे कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है एसबीआई में। एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी असेट क्वालिटी की बात करूँ, ये क्वार्टर में थोड़ा सा स्लिपेजेस देखे हमने, बट वो सीजनल इन नेचर था। आने वाले क्वार्टर में आप देखोगे तो इनका इनका असेट क्वालिटी मुझे लगता है कि मोर और लेस स्टेबल ही रहने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ये 1% का ऊपर पे या मोर और लेस 1% का जो रिटर्न ऑन एसेट बनाता है वो मेंटेन करेगा। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन अगर प्राइस टू बुक वैल्यू, कोर बुक वैल्यू की बात करें तो 1 टाइम पे ट्रेड कर रहा है वो, अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफी डिस्काउंट है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो डिस्काउंट कहीं ना कहीं ब्रीच करना चाहिए आने वाले समय में। तो हमारा नजरिया एसबीआई में काफी ज्यादा पॉजिटिव है, इन्वेस्टर और निवेशक उसको होल्ड करते हैं, तो 1 साल 1.5 साल 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से दे शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट। क्या तो पता लग रहा है पीएसयू मतलब बैंकिंग सेक्टर पर नजरिया पॉजिटिव है, और अगर आपका 1 से 1.5 साल का नजरिया है तो एसबीआई में बने रहिए। लेकिन फिरोज खान ने भी इसी सेक्टर से सवाल भेजा है, कैनरा बैंक पर। राहुल, क्या राय बनेगी कैनरा बैंक पर, टेक्निकल्स पर? तो कैनरा बैंक का स्पेसिफिकली, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जनरली पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ करेक्शन देखने को मिल सकता है। दर्शक का एंट्री प्राइस मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर आप दोबारा दोहरा सके। पर 2000 शेयर खरीदे थे 114 रुपये प्रति शेयर के दाम पर। ओके तो यहाँ पे भी मेरा सलाह यहाँ पे रहेगा कि 114 उनका एंट्री प्राइस आ जाता है तो उनको एग्जिट कर देना चाहिए। चार्ट का स्ट्रक्चर एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है और हर बार इट ट्राइज टू ब्रेक आउट ऑफ द डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, फिर से सेलिंग आ जाता है और ये सस्टेन नहीं कर पाता है। वीकली चार्ट पे भी आप नोटिस करेंगे अंटिल 118 गेट्स टेकन आउट तब तक कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो अगर स्पेसिफिकली उनको फंडामेंटल्स में ऐसा कुछ बात लगा है जिनसे उनको कैनरा बैंक होल्ड करना चाहिए, तो उनको 118 का लेवल वॉच करना चाहिए, जिसके ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में। 118 के नीचे स्टॉक स्लगिश ही रहेगा और जैसे मैंने कहा साइडवेज और एक टाइम वैल्यू टाइम करेक्शन आ सकता है स्टॉक में। टाइम करेक्शन कैनरा बैंक के स्टॉक में दिखाई दे सकता है। मैप माई इंडिया, राहुल ने सवाल भेजा है मैप माई इंडिया यानी सीई इन्फो सिस्टम्स पर। 30 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 2109 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी देखे तो 2070 के आसपास स्टॉक है, तो ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं है। राहुल, टेक्निकल राय ही ले लेते हैं, मैप माई इंडिया पर टेक्निकल्स पर क्या राय बनेगी? उनके पोर्टफोलियो में अगर ये पोजिशन है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, तो क्या राय बनेगी? नहीं, मैप माई इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर भी अनफॉर्चुनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ही है और प्राइस हर हाई पे लंबे लंबे विक्स बना के नीचे के साइड पे मूव हो रहे हैं। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको मल्टीपल ऐसे कैंडल्स नजर आएंगे जिनका लंबा विक है ऊपर की तरफ। वीकली चार्ट पे भी एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है, मेरे ख्याल से 2150 के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में। आई बेग योर पार्डन, 2250 के ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में, बट तब तक कोई ऐसा मोमेंटम स्टॉक पे नहीं है। इनफैक्ट स्टॉक थोड़ा नीचे भी ट्रेंड कर सकता है इस लेवल से। बिल्कुल, तो 2250 के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे सकता है या स्टॉक नीचे भी जा सकता है। महेंद्र ने हमारे लिए सवाल भेजा है हुडको पर। 150 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 307.6 के दाम पर खरीदे थे। अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट एक्टिविटी फाइनेंस करती है हुडको। फंडामेंटल राय लेंगे विनोद, हुडको पर आपकी क्या राय रहेगी? हाँ, जहां तक हुडको का सवाल है, ऑफ लेट अगर देखिए 1 से 1.5 सालों में स्टॉक ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। इन्वेस्टर्स आई थिंक जिन्होंने 1 साल पहले लगभग इन्वेस्ट किया है उन्होंने काफी काफी पैसा बनाया है स्टॉक में। डेफिनेटली लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में देखे तो स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। गवर्नमेंट की जो हाउसिंग फोकस, हाउसिंग सेगमेंट में फोकस रहा है उसके वजह से स्टॉक को भी फायदा हुआ है। इसकी ओवरऑल एयूएम बुक काफी इंप्रूव हो गया है, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट ये कि अर्बन अर्बन हाउसिंग सेगमेंट में ये स्टॉक का एक्सपोजर है। अगर कंपनी की देखें तो कंपनी लगभग ये इंफ्रा अर्बन इंफ्रा साइड में भी अपना एक्सपोजर बनाना चालू किया है, जिसके वजह से इसका ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स या ओवरऑल एयूएम मिक्स में देखें तो वहां बेहतरी आ रही है। मुझे लगता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गोइंग अहेड। और
आने वाले समय में मुझे लगता है ये जो ग्रोथ रेट आई मीन जो मिड टीन टू यू नो 20% का जो या मे बी उससे भी ज्यादा हो सकता है पॉसिबली, तो वो सस्टेन करनी चाहिए। और एट द सेम टाइम जहां तक वैल्यूएशन की आती है, अब 2-2.5% के बीच में स्टॉक प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जहां का मुझे लगता है थोड़ा सा वो हायर साइड पे है। बट एट द सेम टाइम मेरा यह मानना है कि अगर ये स्टॉक ग्रोथ सस्टेन कर देगा 15 से 20%, तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन करेगी। और जिस हिसाब से ये दो सेक्टर में हम ट्रैक्शन देख रहे हैं, चाहे अर्बन इंफ्रा के सेक्टर में हो या अर्बन हाउसिंग सेक्टर में हो, ये दोनों में आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा आई मीन देखोगे ट्रैक्शन होता हुआ, जिसकी सीधा फायदा हुडको को मिलेगा। यस, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा नियर टर्म में मुझे लग रहा है मे बी ये स्टॉक थोड़ा टाइम करेक्शन होगा, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर स्पेस में ये बहुत अच्छा पिक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। बिल्कुल, तो ये राय है हुडको पर। आगे बढ़ते हैं और अब वीआईपी सेगमेंट पर फोकस करते हैं। राहुल, सबसे पहले आप बताएं कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे? तो आज का जो मैं स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ वो थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए, स्टॉक का नाम है वोल्टास। ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक और एकदम बेहतरीन मोमेंटम दिखा रहा है, चार्ट का पैटर्न और स्ट्रक्चर दोनों बहुत स्ट्रांग है। वोल्टास में करंट मार्केट प्राइस लॉन्ग जा सकते हैं, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस होगा, तो दर्शकों को कहूंगा अगर स्टैगर करके लेना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। 15-20 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1980 और 2100 अभी भी 20% की अपसाइड पॉसिबल है स्टॉक में, तो दो टारगेट मीडियम टर्म के लिए वोल्टास में। तो मीडियम टर्म से वोल्टास पर आप खरीदारी कर सकते हैं, जहां पर 1980 से 2100 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और विनोद, फंडामेंटल्स पर आप कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे? मेरा रिकमेंडेशन SBI पे ही होगा, जैसे अभी मैंने SBI पे बात करी, क्योंकि SBI मैंने कहा कि ग्रोथ परस्पेक्टिव से आने वाले क्वार्टर में SBI के नंबर में अच्छी बेहतरी मुझे दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम SBI स्टैंड अलोन लेवल पे तो बढ़िया कर रही है, इनके जो अदर सब्सिडरी जो भी है जहाँ से वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, दे आर ऑल्सो डूइंग यू नो सिग्निफिकेंटली वेल। तो कुल मिलाकर के 1 साल के परस्पेक्टिव से मुझे लगता है ये स्टॉक का लक्ष्य 975 रुपया के हिसाब से मुझे लगता है अचीव होनी चाहिए। तो ये हमारा इनहाउस व्यू है SBI के ऊपर। तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर खरीदारी की राय 975 रुपीज प्रति शेयर के लक्ष्य अगले 1 साल में दिखाई दे सकते हैं। विनोद और राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।